everyone, welcome to the channel. In this video we will discuss tree data structure. So this type of data structure is taken under the category of non-linear data structure. ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये sequential format में data को store नहीं करता है. Tree data structure जो है वो levels को use करता है. So we will discuss introduction, representation and some basic terms of tree data structures. So let's start with the introduction part. A tree data structure is defined as a collection of objects or entities known as nodes. So, जितने भी objects होते हैं, अगर हम उन्हें tree data structure की help से store कर रहे हैं, तो वो कुछ इस format में store होते हैं. ठीक है, कुछ इस format में store होते हैं and ये जितनी भी चीजें हैं, इन्हें objects बोला जाता है या फिर nodes बोला जाता है. ठीक है, ये जो भी हैं circles, ये होते हैं nodes. एंड डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करने के लिए वी कैन यूज एजेस. ठीक है, सो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं कि नोड्स को कनेक्ट किया जाता है एजेस की हेल्प से, इस तरह से. ठीक है, एंड ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है बिकॉज इट डज नॉट स्टोर वैल्यूज इन अ सीक्वेंशियल मैनर. इट ऑलवेज यूजेस सम लेवल्स. सो ये वाला जो है, दिस इज लेवल जीरो, दिस इज लेवल वन एंड दिस इज लेवल टू. ओके, अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बिकॉज इट डज नॉट स्टोर वैल्यूज इन सीक्वेंशियल मैनर. इट इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एज एलिमेंट्स इन अ ट्री आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेवल्स, इस तरह से. ठीक है, ट्री रिप्रेजेंट्स द नोड्स कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एजेस. ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एजेस. इट इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एज एलिमेंट्स इन द ट्री आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेवल्स. Next point is, in a tree data structure, the topmost node is known as the root node. अब generally अगर हम लोग tree की बात करते हैं, so जो tree है वो कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, tree जो है वो कुछ इस तरह से होते हैं and इसमें जो main role play करता है वो play करता है root. ठीक है, वैसे ही last जो section होता है वो होता है leaf. Center में क्या होती है, बहुत सारी branches होती हैं. वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर में जो ट्री है वहाँ पे टॉप मोस्ट नोड जो होती है वो होती है रूट नोड. यहाँ पे बिल्कुल एंड में रूट होता है बट यहाँ पे टॉप में रूट होता है. एंड रूट से क्या होता है, मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं एंड इस तरह से कनेक्टेड होती हैं सभी आपस में. ठीक है, अब जैसे कि इस ट्री में मैंने आप लोगों को बताया कि जो लास्ट बिल्कुल एंड होता है वो होता है लीफ नोड. तो यहाँ पे जो भी बिल्कुल एंड में नोड्स होंगी उन नोड्स को बोला जाता है लीफ नोड्स. ओके, सो ईच नोड कंटेन सम डेटा एंड डेटा कैन बी ऑफ एनी टाइप्स. सो ये जितनी भी नोड्स हैं इनमें डेटा स्टोर किया जाता है. अब जैसे यहाँ पे है ए बी सी डी 1, 2 एंड 3. ठीक है, सो डेटा जो होता है वो किसी भी फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है. वो नंबर्स भी हो सकते हैं एंड कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं. ईच नोड कंटेन सम डेटा एंड द लिंक और रेफरेंस ऑफ अनदर नोड दैट कैन बी कॉल्ड द चिल्ड्रन. अब जैसे कि ये है रूट नोड. ठीक है, रूट नोड को हम लोग पेरेंट नोड भी बोल सकते हैं. ठीक है, एंड अगर ए पेरेंट है तो ए के चाइल्ड कौन है, बी एंड वन. ठीक है, तो ये हो गए चाइल्ड नोड्स. एंड सी और ये वाली जो वैल्यूज हैं लेवल टू पे जो वैल्यूज हैं वो क्या है, वो सब हैं ग्रैंड चाइल्ड ऑफ दिस रूट नोड. ठीक है, तो ये है एक बेसिक ट्री का स्ट्रक्चर. टॉप मोस्ट नोड जो होती है उसको बोला जाता है रूट नोड. दिस इज लेवल 0, 1, 2 एंड लेवल 3. ओके, सो लास्ट में जो भी वैल्यूज होंगी उसे बोला जाएगा लीफ नोड. जैसे एफ भी जो है वो लीफ नोड है, जी इज ऑल्सो अ लीफ नोड, आई इज ऑल्सो लीफ नोड एंड एच भी लीफ नोड है दोनों ट्रीज में. अब जैसे अगर ये रूट है तो ये क्या है, दिस इज लेफ्ट सब ट्री एंड दिस इज राइट सब ट्री. ठीक है, तो दोनों साइड्स पे क्या है, यहाँ पे लीफ नोड्स होंगे. ओके, अब अगर रूट नोड है ए, ये है पेरेंट नोड भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसके चाइल्ड नोड कौन है, इसके चाइल्ड नोड है बी एंड सी. ठीक है, बी एंड सी है इसके चाइल्ड नोड्स. वैसे ही अगर बी को हम लोग पेरेंट नोड कंसीडर करें, सो बी के चाइल्ड कौन है, डी एंड ई. ठीक है, ये होंगे इसके चाइल्ड नोड्स.
वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने बताया है पेरेंट नोड इज डी, सो डी के चाइल्ड नोड कौन है, एच एंड आई. ठीक है, सो एग्जाम में क्या होता है, इसी तरह से एक ट्री आप लोगों को दिया होगा एंड पूछा जाएगा कि अगर ए रूट है एंड ए जो है वो ग्रैंड पेरेंट है तो इसकी ग्रैंड चाइल्ड जो है वो कौन होंगी. तो ये सभी, ये तो इसके चाइल्ड हैं बी एंड सी, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं ये क्या होंगे, इसके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे. ठीक है, अब सिबलिंग्स, जैसे कि अगर हम सी को पेरेंट मानते हैं एंड एफ एंड जी को चाइल्ड नोड मानते हैं. ठीक है, सो एफ एंड जी क्या हुए, ये दोनों सिबलिंग्स हुए. ओके, सो इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सब ट्री. अब जैसे यहाँ पे ये क्या है, दिस इज अ कंप्लीट ट्री. ठीक है, सो इस कंप्लीट ट्री में सब ट्रीज भी होते हैं. अब जैसे कि यहाँ पे बात करें, ये वाली साइड क्या है, दिस इज लेफ्ट सब ट्री एंड दिस इज राइट सब ट्री. वैसे ही लेफ्ट सब ट्री में भी क्या है, और भी सब ट्रीज हो सकते हैं. जैसे ये भी इसमें सब ट्री है, ये वाला सेक्शन भी इसमें सब ट्री है. ठीक है, सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रिप्रेजेंटेशन है ट्री डेटा स्ट्रक्चर की. इस तरह से एक डायग्राम दिया होगा एंड पूछा जा सकता है कि 7 and 8 जो हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है. सो ये दोनों क्या है, सिबलिंग्स हैं. ठीक है, वैसे ही पूछा जाएगा कि यहाँ पे इस गिवन ट्री में लीफ नोड्स कौन कौन से हैं. सो इधर लीफ नोड्स हैं 4, 9, 10, 6, 11 and 8. सो नाउ वी विल डिस्कस सम बेसिक टर्म्स. सो इन अदर वर्ड्स, रूट नोड, जैसे कि रूट नोड है, रूट नोड को क्या बोलते हैं, ये बोल सकते हैं कि अ नोड दैट डज नॉट हैव एनी पेरेंट. एक ऐसी नोड होती है जिसको, जिसका कि कोई भी पेरेंट नोड नहीं होता, ये है रूट नोड. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चाइल्ड नोड. इफ द नोड इज अ डिसेंडेंट ऑफ एनी नोड देन द नोड इज नोन एज चाइल्ड नोड. यहाँ पे अगर ये पेरेंट नोड है, ठीक है, सो 2 and 3 विल बी द चाइल्ड नोड. ठीक है, सो पेरेंट नोड समझ के, जैसे कि अगर यहाँ पे हम 2 को पेरेंट नोड मानकर चलते हैं तो इसके चाइल्ड नोड कौन से हैं, 4, 5 and 6. नेक्स्ट इज सिबलिंग्स, द नोड दैट हैव द सेम पेरेंट. ठीक है, सिबलिंग जनरली हम समझते हैं, अब जैसे यहाँ पे 2 and 3 क्या है, ये दोनों सिबलिंग्स हैं. वैसे ही 4, 5 and 6 ये तीनों क्या है, ये सिबलिंग है क्योंकि इनके पेरेंट जो है वो कॉमन है. ठीक है, वैसे ही 9 and 10 भी सिबलिंग है क्योंकि इनका पेरेंट जो है 5, ये कॉमन है. नेक्स्ट इज सब ट्री. सब ट्री क्या होता है, कंप्लीट एक ट्री है, उसी के सब पार्ट्स को बोला जाता है सब ट्री. जैसे कि ये वाला जो सेक्शन है ये भी एक सब ट्री है, ये वाला कंप्लीट सेक्शन भी जो है ये एक सब ट्री है. वैसे ही राइट साइड पे देखें तो ये भी एक सब ट्री है एंड ये कंप्लीट सेक्शन भी जो है एक सब ट्री है. नेक्स्ट इज विजिटिंग. विजिटिंग हम लोग कई बार टर्म यूज कर सकते हैं, कर चुके हैं, जिसको कि ट्रावर्स बोला जाता है. ठीक है, कि किस तरह से हम लोग विजिट करते हैं इन नोड्स को. विजिटिंग रेफर्स टू चेकिंग द वैल्यू ऑफ द नोड व्हेन कंट्रोल इज ऑन द नोड. ठीक है, सो जब भी विजिट करते हैं तो हमेशा विजिटिंग स्टार्ट होती है रूट नोड से. ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग मीन्स पासिंग थ्रू नोड इन स्पेसिफिक ऑर्डर. ठीक है, विजिट करना और ट्रैवर्स करना दोनों काफ़ी हद तक सेम चीज़ें हैं. इन केस ऑफ विजिटिंग वी कैन चेक द वैल्यूज. ठीक है, एंड इट डज नॉट फॉलो एनी प्रॉपर सीक्वेंस. बट इन केस ऑफ ट्रैवर्सिंग इट ऑलवेज स्टार्ट विद रूट नोड एंड ऑल द नोड्स आर ट्रैवर्स और विजिटेड इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर. नेक्स्ट इज लेवल्स. वी हैव डिस्कस्ड द लेवल्स. ठीक है, दिस इज लेवल 0, दिस इज लेवल 1, लेवल 2 एंड दिस इज व्हाट, लेवल 3. तो एग्जाम में एक ट्री गिवन होगा एंड वहाँ पे पूछा जाएगा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लेवल्स अवेलेबल इन द गिवन ट्री. तो यहाँ पे इस ट्री में है टोटल 3 लेवल्स. कीज, कीज रिप्रेजेंट अ वैल्यू ऑफ अ नोड बेस्ड ऑन विच अ सर्च ऑपरेशन इज टू बी कैरिड आउट फॉर अ नोड. ठीक है, सो एक बेसिक सी चीज़ है कि कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे यूज किया जाएगा. लीफ नोड, द लीफ नोड ऑफ द ट्री विच डजेंट हैव एनी चाइल्ड नोड. लीफ नोड क्या होता है, बिल्कुल एंड की वैल्यूज होती हैं. ट्री में लीफ जो होते हैं वो बिल्कुल लास्ट में होते हैं, लीफ से आगे कुछ भी नहीं होता. सेम इन द केस ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर, द लीफ, द नोड ऑफ द ट्री विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड. ओके, अ लीफ नोड इज द बॉटम मोस्ट नोड.
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बॉटम मोस्ट नोड ऑफ द ट्री. देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ लीफ नोड्स प्रेजेंट इन द जनरल ट्री एंड ऑल्सो लीफ नोड्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एक्सटर्नल नोड्स. नेक्स्ट इज एनसेस्टर नोड्स. एंड एनसेस्टर ऑफ अ नोड इज द प्रीडिसेसर नोड ऑन द पाथ फ्रॉम द रूट टू द नोड. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे हम बात करें कि 1, 2 एंड 5, 1, 2 कहाँ पे है, 1, 2 एंड 5, 1, 2 एंड 5 क्या है, ये 10 के एनसेस्टर्स हैं या फिर 9 के एनसेस्टर्स भी इनको बोल सकते हैं. ठीक है, 1, 2 एंड 5 वैसे ही डिसेंडेंट्स होते हैं. ठीक है, डिसेंडेंट्स के केस में क्या होता है, द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द गिवन नोड इज नोन एज डिसेंडेंट ऑफ द नोड. सो 10 क्या है यहाँ पे, 10 जो है वो डिसेंडेंट है 5 का. 10 इज द डिसेंडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड. ओके, सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.